गुलाबी शहर की धरा आज पंजे के रंग में रंगी नजर आई। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ ताल भी ठोकी गई और कांग्रेस में जान भी फूकी गई। गुटबाजी के तर एकजुटता भी दिखाई गई और इरादा साफ कर दिया गया कि अब भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। जयपुर के विद्याधर नगर में मंच सजा और दिल्ली तक संदेश दे दिया गया कि महंगाई को लेकर कांग्रेस एकजुट है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े कांग्रेसी नेता जयपुर पहुंचे और महंगाई को लेकर जमकर केंद्र पर बरसे। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली में राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश को हिंदू और हिंदुत्ववादी के अंतर को समझना होगा। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं, क्योंकि हिंदू को सत्य चाहिए और हिंदुत्ववादी को सत्ता। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की, इनके मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। तो वहीं प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया कि मोदी सरकार की नीति और नियत को जनता देख रही है, जनता इस बार उन्हें माफ नहीं करेगी। जब किसान आंदोलन कर रहे थे, महीनों से बैठे हुए थे दिल्ली के बॉर्डर पे, तो हमारे पर्यटक प्रधानमंत्री अपने घर से निकलकर 10-20 किलोमीटर दूर जहां लाखों किसान बैठे थे वहां नहीं जा पाए। पूरा साल निकल गया वहां नहीं जा पाए। दुनिया भर में भ्रमण किया, अमेरिका गए, चाइना गए, तमाम देशों में गए, लेकिन अपने दुखी किसानों से बात करने नहीं जा पाए। कांग्रेस के हल्ला बोल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो सीएम की चिट्ठी का जवाब नहीं देते। हम केंद्र से कोई मांग करते हैं तो सुनवाई नहीं होती। घमंड और अहम के अंदर सरकार चल रही है। आज की रैली मोदी सरकार के पतन की शुरुआत के रूप में मानी जाएगी। दाम बढ़ गए पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के, सब आवामी चीजों के क्यों बढ़ गए? ये धोखा हो रहा है राज्यों के साथ में। केंद्र सरकार राज्यों के साथ में जो नीति अपना रही है बहुत खतरनाक नीति है। राज्यों की वित्तीय रूप से कमजोर करने की नीति है। मूल एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया जिसमें राज्यों को समय मिलता था, जीएसटी समय पर दे नहीं पा रहे हैं। सेंट्रल डिस्पोजल स्कीम थी उसका रेशियो बराबर कर दिया। इस प्रकार से तमाम राज्य सरकारें वित्तीय संकट में है। वही सचिन पायलट ने कहा कि मोदी सरकार की नीति और नियत दोनों खराब है। मोदी सरकार ने देश को अंधकार में ढकेलने का काम किया है। केंद्र सरकार की नाक के नीचे देश की सीमाओं पर आक्रमण हो रहा है। केंद्र सरकार सत्ता के नशे में है। देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। साथियों, महंगाई आसमान छू रही है। भाजपा के किसी एक नेता ने आज तक ये नहीं कहा कि हम महंगाई पर नियंत्रण लाएंगे। कोई झूठा आश्वासन देने को तैयार नहीं है। सब लोगों को लगता है कि देश की जनता की वोट हमारी जेब में है, लेकिन लोकतंत्र में नौजवान और किसान और आम व्यक्ति की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। लोकतंत्र में संस्थानों को खोखला करने का काम इस सरकार ने किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, जिन्होंने पूरी तमाम कांग्रेस पार्टी को एकत्रित कर आज जयपुर में इस महारैली का आयोजन किया है। आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वही महंगाई रैली के इतर अगर हम राजस्थान की सियासत के बारे में बात करें तो सबकी नजरें आज इस बात पर टिकी थी कि पायलट को मंच पर जगह मिलती है या नहीं, क्योंकि मौजूदा वक्त में पायलट न तो पीसीसी चीफ है और ना ही उप मुख्यमंत्री, और ना ही पायलट को अभी तक संगठन में कोई जिम्मेदारी दी गई है।
यानी क्या सिर्फ एक विधायक को मुख्य मंच पर जगह दी जाएगी? लेकिन कांग्रेस आलाकमान किसी तरह का गलत मैसेज आम जनता तक नहीं पहुंचाना चाहता था, लिहाजा ऐसे में आज की रैली से ठीक पहले शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तकरीबन एक घंटे तक गुफ्तगू चली। बताया जाता है कि इसके लिए आलाकमान की ओर से निर्देश दिए गए थे, जिसका नतीजतन ये रहा कि आज पायलट को मुख्य मंच पर पहली कतार में जगह दी गई। हालांकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे, तो वहीं दूसरी ओर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल बैठे नजर आए, जबकि प्रियंका गांधी के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को जगह दी गई। कुल मिलाकर कांग्रेस की रैली में उम्मीद से ज्यादा भीड़ दिखाई दी और कांग्रेस ने साफ कर दिया कि अगर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अगर उन्हें दिल्ली में जगह नहीं दी जाती है तो आवाज उनकी नहीं दब सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।